आज खूब डांट खा खा के पूरी बेल रही है। बस एक और अच्छी, बहुत सुंदर आ रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। थक चुकी है मेरी आंखें और मुझे लगता है सारे फैंस की आंखें चेन्नई को खेलते देखने के लिए। गाइस इट्स 4:15 इन द मॉर्निंग एंड 3:30 अराउंड मेरी आंख खुली थी एंड काफ़ी तेज बाहर मतलब थंडरस्टॉर्म आया हुआ है एंड आई वाज लाइक कि फ़ोन चार्ज में लगा देती हूँ फर्स्ट थिंग इन माय माइंड। मुझे लग रही था कि लाइट जाएगी एंड थैंक गॉड मैं आपसे बात कर रही हूँ और लाइट आ गई है। सो उसके बाद से कंटिन्यूस आप मेरा फेस देख सकते हो पूरा स्वेट में है एंड इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थी ना एक टाइम पर मैं डर गई ये हो क्या रहा है। लाइक सीरियसली आज तक इतने टाइम मैंने देखा होगा ये मॉनसून से पहले बट दिस वन इज स्केयरी। मॉर्निंग में ये सब हो रहा था, मैं पूरा पसीने में भीगी हुई हूँ और अभी भी कंटिन्यूस हो रही है। अभी मैं बाहर गई थी मटके से पानी लेने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं थोड़ी देर भी खड़े हो जाऊँ, मैं तुरंत पानी भरा और मैं लौट के आ गई। बहुत बहुत तेज़ हवाएँ चल रही, मतलब इंसान खड़ा हो इंसान हिल जाए ऐसी हवाएँ चल रही। बट थैंकफुली कि अभी लाइट आ गई तो पीसफुली सोया जा सकता है। मेरे को बहुत डर लग रहा था, अजीब से ही डर लग रहा था, इतनी तेज़ हवाओं की आवाज़ आती है ना सर 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 या बट नाउ इट्स ऑल ओके। आई जस्ट विश कि फिर से लाइट ना जाए और मेरी नींद पीसफुली हो जाए। चलो फिर अपडेट देती हूँ। मैं लेट भी नहीं पाई और लाइट चली गई वापस, पता नहीं आज सोया जा पाएगा या नहीं। पूरी मेरी गर्दन वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा भीग रही है गर्मी में एंड जो हवाएं चल रही है वो तो अलग ही है। जस्ट वेटिंग फॉर दी लाइट ताकि सोया जा सके। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडेज़ व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो मैं आपसे बात करूँगी अपना स्किन केयर करते हुए बिकॉज आई जस्ट टुक शावर एंड जैसे कि आपने पिछली क्लिप्स में देखा इस व्लॉग के स्टार्टिंग में मेरी जिंदगी में पत्ता भी हिलता है ना तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। रात के 3:30 बज रहे थे और इतना मौसम बिगड़ गया एंड उसमें मुझे कुछ नहीं सूझा आई स्टार्ट व्लॉगिंग लाइक इनसेन। अभी जब मैं वो वीडियो देख रही थी ना मुझे हंसी आ रही थी खुद पे। बट या दिस इज द सिचुएशन, वेदर काफ़ी अजीब सा हो रहा है, हर कभी बारिश हो जाती है एंड आई डोंट लाइक दिस वेदर। लाइक ना जब भी बारिश गर्मी में होती है तो गर्मी और बढ़ा देती है और वही सीन हो रहा है। बट दैट्स नॉट द टॉपिक फॉर टुडेज व्लॉग। एज यू कैन सी आई एम वेयरिंग इंडियन, सॉरी यू कांट सी, बाद में पूरा आपको एक आउटफिट लुक दे दूंगी। बट या आई एम गेटिंग रेडी बिकॉज आज घर में रखी है सत्यनारायण जी की कथा। सो इसी के लिए अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, मैं उठी थी 7:45 अराउंड। सारा काम निपटा के, सारा काम इन द सेंस जो घर का काम था, बाहर का काम था, नीचे का काम था, वो निपटाने के बाद में अभी मैं रेडी हो रही हूँ। मम्मी सुबह से किचन में लगी हुई हैं, आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, खाने की तैयारी कर रही हैं। जब तक ये सोकिन होता है आई एम गोना फिल माय आईब्रोज। मैं मेकअप नहीं करने वाली हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है और घर में ही कथा है तो मेकअप क्या ही करना, बट जस्ट गोना फिल माय ब्रोज। तब तक मेरा स्किन केयर जो है वो सेट हो जाएगा। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन पे मुझे बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा है, मैं अंधाधुंध कुछ भी कर रही हूँ। 2-3 प्रोडक्ट से ही मैं आज थोड़ा सा काम लूँगी ताकि मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगूँ। परसों उस रात के बाद मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कल मैं पूरा दिन नहीं सोई और जब मैं कल रात में सोई हूँ ना बेहोशों की तरह, सुबह ही सीधे आँख खोली है, सो मेरी नींद पूरी हुई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता किसी भी स्पेशल ओकेजन से पहले मेरी नींदें क्यों नहीं होती है। सत्यनारायण की कथा इज स्पेशल फॉर मी यू गाइस। नाउ आई एम गोना अप्लाई रिकोट का ब्लश, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, आई एम गोना अप्लाई मस्कारा और मेरा शिट आई फॉरगॉट अप्लाई सनस्क्रीन। अब भी ब्लश लगा लेती थी मैं,
जिंदगी ना कटे मेरी सनस्क्रीन के बिना, और आपको भी लगाना चाहिए गाइस। आई एम यूजिंग प्लम का राइस वाटर वाला सनस्क्रीन, इट्स रियली रियली गुड। थैंक गॉड मुझे याद आ गया। इसको थोड़ा सोके होने के लिए टाइम देंगे, तब तक मैं लगा लूंगी अपना ग्लास। मैं आधी तैयार हुई हूँ, बट दिस इज माय आउटफिट। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल सूट, ये दीदी का है। एंड इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने बाल जस्ट ऐसे बांध लिए क्योंकि अभी मैं सबको बुलाने गई थी बाहर, और पंडित जी आ चुके हैं, सो पूजा की तैयारियां हो रही हैं, तो अब उन्हें जिस जिस चीज की जरूरत है मुझे वो देना है। सो लेट्स गो। श्रेष्ठावृषभायिनी भगवती महामाया तेषां देवी जनार्दना रक्षा सहस्रदेभ्यायो जनार्दना देवेभ्यो देववदनं च अम्बे देवमातरा च भगवती महामया तेषां देवी जनार्दना सहस्रावदनं भगवती महामया तेषां देवी च अम्बे देवेभ्या देव जनार्दना सहस्रादेभ्यै रक्षासूत्रम् भगवती महामाया तेषां देवी जनार्दनः फटाफट अपना अपना ऑर्डर लिखवा दे। एक कोल्ड कॉफी लो। दिस इज अ ढाबा नॉट अ कैफे गाइस। घर पे चल रही कतरा और यहाँ अब हम आ गए हैं थोड़ी सी पूड़ियाँ निकालने जो कि प्रसाद में चढ़ाई जाएगी। ऑलमोस्ट कथा होने वाली है, हम थोड़ी पूड़ी निकालेंगे। सॉरी गाइस, वी आर द नूब इज ब्लॉगिंग टुडे। पूड़ियाँ निकालते हैं मैच। चालू तो कर लो गैस बेहाई। देख लीजिए गाइस, आइए दोस्तों पूड़ी निकालते हैं बंद गैस में। अभी करती थी मैं, करती थी पूड़ी निकल जाती तब करती मैं जब पूड़ी डाल ठंडे तेल में। आता कुछ आता वाता है नहीं, बस पूड़ी बना। आइए दोस्तों पूड़ी बनाएंगे।
देखते हैं गोल कितनी बनती है। ओ नो देखो गाइस ज्ञान देना बहुत आसान है, इजली इंसान ज्ञान देता है। वो तीन मेरी पूरी रखी है और ये एक रिया की पूरी है। देखो ज्ञान अब ये वाली भी देख लो गोल बिल्कुल। और कितनी बड़ी बनाई है मुझसे, मुझे ज्ञान देती मेरी पूरी देखो कितनी बड़ी है, छोटी छोटी ज्ञान दे रही थी मेरे को। और रिया दीदी कुछ कहना चाहेंगे आपकी सफलता? ये गोल बिल्कुल, ये तूने हाथ से चेप चेप के उसका क्या शेप कर दिया है, गोल जबरदस्ती उठा के लाई हो गई इसे। अभी भी बैठे बैठे कथा में मुंह फाड़ रही थी, नालायक तेरी क्यों रियलिटी बता रही हो। जब मैंने बेलना शुरू किया था ना गाइस, तो इसने मुझे बोला था पागल हो इतनी बड़ी बड़ी बनाओगी, अभी नहीं डालना, दो पूड़ी एक साथ डाल देते हैं। और इसने देख लो क्या ही बनाई है ये हाथ ही जैसे। हर हर महादेव शंभु भोला विश्वनाथ गंगे सहस्रार्थ वेद्यादि विभ्यो श्रवणम भगवती महामया तेषां देवी नारायण। दुपट्टा तो देखो नहीं क्या कर, गाइस रिया को पूरी बेलने की ड्यूटी मिली है आज। रिया खूब डांट खा खा के पूरी बेल रही है, दिखाना दिल दिखाना। तेरी तरह है टेढ़ा दिल, बीच में नहीं छोड़ते किनारे से छोड़ते हैं। मस्त डांट पिट पिट के आज रिया सीख रही है पूरी कैसे बनाते। गाइस दिन में 2 बजे कथा समाप्त हो चुकी है और अब हम खा रहे हैं खाना। ये मेरी थाली मम्मी की और वो रही रिया की, और ये स्पेशल भटूरा बनाया रिया ने मेरे लिए, आप देख सकते हो पूरी का भटूरा वो देखो। छोले की सब्जी है, खीर है, दही है और चम्मच है, और चम्मच है, और ये इसका सड़ा सा मुंह है। Guys, I know I look like a mess, but this is the actual situation. शाम के 7 बज रहे हैं और खाना खाने के बाद में मैंने सोने की थोड़ी कोशिश की क्योंकि मेरे को भयंकर लेवल की नींद आ रही थी, हद से ज्यादा। एकदम तुरंत सोने के लिए नहीं मिला मेरे को क्योंकि फाइनली मेरे एसी को लगी हो इतना टाइम हो गया है, आज इतने टाइम बाद मेरे रूम में फाइनली कांच लग चुके हैं, यहाँ पर भी और घर में काफी जगह पे कांच लगने थे। मैंने अपने रूम में भी कुछ फिटिंग्स कराए हैं साइड में, तो वो काम चल रहा था। बट 3:15-3:30 अराउंड मैं सो गई, मेरे को होश ही नहीं था, मेरे को इतनी नींद आ रही थी ना हद से ज्यादा। लिटरली उस स्लीप ने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प किया है। 4:20 के अराउंड पापा मेरे पास आए, उन्होंने बोला कहाँ और लगवाना है, मैं नशे में उनको नींद में ऐसे बता रही हूँ ऐसा। फाइनली मैं उठ गई 4:30 पे क्योंकि आज ट्यूशन थी 4:30 पे, सुबह रोज मैं 11 बजे पढ़ाती हूँ, बट क्योंकि आज कथा थी तो 4:30 बजे रखी थी मैंने। फटाक से उठी, चाय पिया है एक, फिर थोड़ी एनर्जी आई है। अभी मैं ऊपर आ गई हूँ वापस क्योंकि मैं वापस चेंज करने वाली, जो मैंने सुबह पहना था वापस पहनूंगी क्योंकि मैं और दिया जा रहे हैं, मुझे सूट डालना है स्टिचिंग के लिए। काफी दिन से टाल रही थी, आंटी भी घर पे नहीं थी तो आंटी अब आ चुकी हैं, तो मैं आज डालने जा रही हूँ। मुझे अपने कुर्ते की भी स्टिचिंग फिक्स करानी है, यही पास में रहती है आंटी, मस्त सूट सिलती हैं, मस्त क्या फिटिंग देती है, मुझे बहुत पसंद है उनके हाथ के सिले हुए सूट, तो मुझे वो करने जाना है, इसलिए मैं चेंज करती हूँ फिर मिलती हूँ। आई एम अगेन रेडी यू गाइज एंड सॉरी फॉर दिस लाइटिंग, ये ना बैक कवर की वजह से होता है, थोड़ा सा ना फ्लैश के बाद व्हाइट इफेक्ट देता है ये, बट बहुत कंटाल आ रही थी इसलिए मैंने निकाला नहीं। या Here's my suit, let's go.
मैं अभी 5 मिनट, 5 तो नहीं, आधा घंटा हो गया होगा, है ना। आधे घंटे पहले एक क्लिप नीचे शूट करके आई थी, क्योंकि रिया घर जा रही थी उस समय, और ये क्योंकि कल जा रही है शादी में, शादी में जा रही थी कल ये, तो मैं नीचे इसको बाय बाय करके आई थी व्लॉग में, और आधे घंटे बाद देखो ये यहीं बैठी है, ये गई नहीं, नीचे से ऊपर आ गई। मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हैं गाइस, लालच दिया जाता है ये खिलाऊंगी वो खिलाऊंगी, और ये आ जाती है लालच। गाइस मैंने बहुत सारे बर्तन धोए हद लेवल के, सुबह से लेके अभी तक के। लालच दिया जाएगा तो आप किसी के साथ आओगे या नहीं? चट्टो औरत है ये, आ गई, लेकिन अभी कुछ दिन मेरे ब्लॉग में नहीं दिखेगी गाइस, क्योंकि ये जा रही है। मुक्को और ओमी भी नहीं है, सब तनहा छोड़ के चले जाते हैं मुझे, खुद जाती है तब कुछ नहीं होता, तो यही नहीं चला दिया तेज, मुझे पता तुमने पूरा दिन कर लिया नहीं किया, पागल है। अब करूंगी देख, मैं इसको मना कर रही हूँ गाइस, मत जा मत जा मत जा, लेकिन फिर भी ये जा रही है शादी में खाना खाने। वो रील्स पे नहीं आते, हाँ। लेकिन वो वाइट चश्मा लगाते हैं। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं देखो इंस्टाग्राम पे टैग करूंगी, देखो गाइस ऐसे ले लूँ एक स्क्रीनशॉट इंस्टाग्राम के लिए। बस एक और अच्छी, बहुत सुंदर आ रही है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। गाइस इफ यू डोंट नो, मैं इसकी बुआ लगती हूँ। इसका भाई मुझे बुआ बोलता है, वो तो ये दीदी बोलती तो मेरे को ठीक लगता है, बुआ बोलती तो अजीब लगता है। थैंक यू स्वाति दीदी, इतनी बड़ी है कि मुझे बुआ बोलेगी तो कितना अजीब लगेगा। इसका भाई बोलता है ठीक लगता है, बट ये तो ठीक है। बाय रिया, कब मिलोगे अब? 2-3 दिन बाद। इसका 2-3 दिन बाद गाइस, 15 दिन में तब्दील हो जाता है। अभी आप देखो, मैं आपको इस बार क्लियर अपडेट दूंगी कब लौटती है। आज 27th है, कल 28th को ये जाएगी, और मैं आपको रिटर्न डेट बताऊंगी इसकी। ओके बाय, क्लच रोल लगा ले, बाय बाय ना। The next day. बजने वाले हैं 7:30 और सुबह से पसारा समेटने के बाद में अभी इट्स टाइम टू चिल, क्योंकि अभी है IPL का फाइनल और आज CSK खेल रही है फाइनल में। एंड इफ यू नो मी यू नो माई लव फॉर माही, आई जस्ट लव हिम। सो अभी गुजरात में अहमदाबाद में बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से टॉस डिले हो गया है, तो आई एम प्लानिंग कॉन्टेंट हियर। काफ़ी टाइम हो गया ऐसे मैंने बैठ के प्रॉपर फोकस करके कॉन्टेंट नहीं डाला है, लिखा नहीं है, सोचा नहीं है, सो इट्स टाइम फॉर दैट ऑल्सो। तो जब तक मैच स्टार्ट होता है मैं ये करूँगी, एंड आई एम सुपर 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 डुपर एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच, एंड आई जस्ट विश के CSK जीत जाए। The next day. So as you guys all know कि कल का मैच तो रद्द हो गया था बारिश की वजह से, और मैंने काफी देर वेट किया। 9:35 तक ऐसा था स्टार्ट होगा, 20 ओवर्स पूरे होंगे, 12 बजे के बाद शुरू होगा, सिर्फ 5-5 ओवर्स होंगे। मैंने तो 9:35 के बाद खुद प्रे करना शुरू कर दिया, अब तो बारिश रुके ही ना, क्योंकि मुझे 5-5 ओवर का मैच तो नहीं चाहिए था फिनाले में। बट फाइनली आज मैच होगा एंड बारिश ना हो, एंड होपफुली CSK जीत जाए। सो मैं फटाफट यहाँ का काम निपटाऊंगी, ऊपर जाऊंगी और इत्मीनान से मैच देखना चाहूंगी। थक चुकी है मेरी आंखें, और मुझे लगता है सारे फैंस की आंखें चेन्नई को खेलते देखने के लिए। एक इनिंग हुई है, आई नो सबको अपडेट होगी मैं क्यों दे रही हूँ इसलिए अपडेट, बट या सेकेंड इनिंग के लिए जो नहीं देखते उनको बता देती हूँ। सेकेंड इनिंग के लिए बारिश हो गई है, चेन्नई की बैटिंग नहीं हो पाई थी, आई थिंक 3 गेंद खेल पाई थी चेन्नई, बारिश हो गई,
और अभी 12:10 से वापस गेम स्टार्ट होगा, 15 ओवर का गेम होना है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। और 215 का टारगेट था हमें चेन्नई को, बट अब 171 बनाना है। सो लेट्स सी क्या मैच होता है, कैसा होता है। आई एम जस्ट एक्साइटेड, सुन के पक चुकी हूँ मैं कॉमेंट्री इतनी देर से। और क्रिकेट वालों को भी पता है कि लोग माही को देखने के लिए टीवी पे बैठे हैं, तो माही के रीकैप पे रीकैप मारे जा रहे हैं, इधर के शॉर्ट्स, उधर के शॉर्ट्स, उधर की कहानी, इधर की कहानी, इसलिए लोग टिके भी हुए हैं शायद। बट या मीनवाइल मैंने अपने काम निपटा लिए और मेरे को थोड़ा और टाइम मिल गया था। एक्चुअली दीक्षा दी की शादी के टाइम पे ना मैंने नींद में, मुझे इतनी नींद आ रही थी और मेहंदी लगानी थी, तो मैंने अपने नेल्स पे भी मेहंदी लगा ली थी, तो वो पूरी ब्राउन ब्राउन रच गई और अब मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो जब भी मैं एक नेल पेंट रिमूव करती हूँ मुझे दूसरी अप्लाई करनी पड़ती है ताकि वो ढक जाए। सो आई हैव दिस ब्लू हेवन का फुल डब्बा नेल पेंट का सेट, दिस इज ब्लिंग सेट ऑफ 6 नेल पेंट, ये रही ऐसी कुछ दिखती है। तो इसमें एक शेड था 07 जो कि आज मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया अपने नेल्स पे। एज यू कैन सी थोड़ा सा ऑफ वाइट और पिंक के बीच का शेड है, ये पीच सा शेड है जो कि मैंने काफी अच्छी बिगाड़ भी ली अपने थंब की। सो मैंने 3 कोट्स लगाए, अच्छी नेल पेंट्स हैं, एक कोट में भी काम हो जाता है, बट क्योंकि मेरे ऑलरेडी ब्राउन नेल्स थे तो वो बहुत अजीब दिखते थे, मैंने 3 कोट्स लगाए हैं। इसमें कुछ शिमर शेड्स भी थे और काफी अच्छे अच्छे शेड्स थे। सो या मैंने ये अप्लाई कर लिया, अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, लेट्स सी मैच कैसा जाता है। एक्साइटमेंट लो हो रही है पता है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में मैच देखने में, और लग भी नहीं रहा कि फिनाले चल रहा है, बट या लेट्स सी। इंडिया पाकिस्तान के मैच में भी मैं आज तक शायद ही रोई हूँ, लाइक जब धोनी आउट हुआ उसके बाद से मेरा रोना शुरू हो गया। मैं सिर्फ फिंगर क्रॉस करके बैठी हुई थी, प्लीज गॉड आज नहीं, आज ऐसा कुछ मत करना, प्लीज गॉड, मैं कंटिन्यूस बोल रही थी ऐसे कि प्लीज आज जिता दो, आज जिता दो, आज जिता दो। एंड आई वाज लाइक कि बस सांसें मेरी अटक गई थी यहाँ पे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिल्कुल सांस आ ही नहीं रही थी। एंड आई वाज लाइक प्लीज 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 प्लीज। एंड लास्ट ओवर में लाइक ऐसा लग रहा था कि फिर क्या होगा, बहुत एपिक मैच था। लास्ट की 2 बॉल्स पे जब चड्डू ने 6 मारा उसके बाद 4 रन चाहिए था, मैंने वो बॉल नहीं देखी, मैं ऐसे थी एकदम। पापा ने पीछे से बोला 4, एंड आई वाज लाइक व्हाट 4, एंड उन्होंने से शॉक होके देखा, उनको लिटरली 15 मिनट तो विश्वास ही नहीं हुआ कि हम गेम जीत चुके हैं। एंड जब चड्डू दौड़ के गया और धोनी ने उसको उठाया ना, जो रोई हूँ मैं, फिर जैसे जैसे अपने को कंट्रोल किया फिर अंबती राइटू को देखती हूँ और रोई हूँ, बिकॉज उनका ये लास्ट मैच था, लास्ट IPL था। बट फाइनली मतलब जिस दिन से स्टार्ट होता है ना IPL, ये पता लगता है कि IPL स्टार्ट होने वाला है। बस मैं यही बोलती हूँ, कुछ भी हो जाए यार जीतेगी तो CSK, कुछ भी हो जाए यार जीतेगी तो CSK, लाइक
कोई भी टीम का मैच चल रहा हो, सीएसके हार रही हो, कुछ ट्रॉफी तो सीएसके उठाएगी, ट्रॉफी तो सीएसके उठाएगी, ट्रॉफी तो सीएसके उठाएगी यार, सी ट्रॉफी। मेरी लाइफ में अगर कोई मैनिफेस्टेशन ट्रू हुई है ना तो वो यही हुई है। आई एम सुपर 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 हैप्पी। लोग कह रहे हैं लास्ट आईपीएल है थाला का, लास्ट आईपीएल है थाला का, एंड वो सोच के बहुत बहुत बुरा लग रहा है, बट द खुशी की थिंग इज कि लास्ट आईपीएल हम ट्रॉफी के साथ उठा रहे हैं। अभी 2 बज रहे हैं रात के एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं धोनी को वो कप उठाते हुए देख लूँ। दैट्स इट।